गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे तो डियर स्टूडेंट्स, कल आपने क्वेश्चन 2 तक हल कर लिया था। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो रूट्स है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, रियल एंड डिस्क्रीट रूट आ रहे हैं आपके पास। अगर हम इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करें तो मेरे पास आ रहा है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। सबसे पहले आपको जब इसकी कंपेयरिंग करोगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो यू गेट a इक्वल k एंड b इक्वल 2 एंड c इक्वल 1। तो आपको कंडीशन लगानी है, कंडीशन ऑफ टू रियल एंड डिफरेंट रूट, डिफरेंट या डिस्क्रीट रूट। तो इसकी शर्त ही होती है कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है वो ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पर बी तो आ रहा है मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर 0, तो 4 माइनस 4 के ग्रेटर 0। अब देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ देखो जो रूल है, एक तो होता है इनइक्वलिटी, एक होता है मेरे पास इक्वेशन। देखो इन दोनों में अलग अलग मतलब होता है, इनइक्वलिटी होती है उसका अलग मतलब होता है और जो इक्वेशन है उसका अलग मतलब होता है। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन लिखी है 2x प्लस 5, या मान लो ये प्लस 5 ग्रेटर आ रहा मान लो 5 से, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है। यहाँ पर ये भी सिंबल आपका अलग हो सकता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल, जैसे मान लो 0 आ रहा है या कुछ हो रहा है मान लो इस तरह से। तो इक्वेशन में तो क्या होता है, यहाँ पर इक्वल लगा होता है, और इनइक्वलिटी में क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन लगा होता है। अब देखो दोनों के जो रूल है वो थोड़े से डिफरेंट है। इक्वेशन में क्या होता है कि आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर दो, दोनों पक्षों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आप कुछ भी सबट्रैक्ट कर दो नो चेंज, दोनों तरफ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ नो चेंज, दोनों तरफ आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो नो चेंज। लेकिन इनइक्वलिटीज में क्या फर्क पड़ता है, अगर आप दोनों तरफ कोई भी नंबर जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ किसी को लेस करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर को ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा है पॉजिटिव नंबर से अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो भी इसमें नो चेंज रहेगा। लेकिन इसमें दो कंडीशन में फर्क पड़ता है, कब फर्क पड़ता है, अगर आप निगेटिव जो नंबर होता है निगेटिव नंबर उसका मल्टीपल करते हो या उसका डिवाइड करते हो। अगर आप निगेटिव का नंबर का दोनों तरफ मल्टीपल या डिवाइड करते हो उस टाइम क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटीज का चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका ओपोजिट हो जाएगा, ओपोजिट जो इनइक्वलिटीज है उसका साइन क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसे इसमें ऐसे साइन लगा है इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और अगर ये ऐसे लगा है तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। केवल कब बनेगा, इन मात्र दो शर्तों बनेगा, अगर आप दोनों जो टर्म है या दोनों जो आपके पास साइड है उन दोनों साइडों को अगर आप मल्टीपल करते हो निगेटिव से या निगेटिव से आप डिवाइड करते हो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो आपके पास इसका सिंबल है ये क्या हो जाएगा, ओपोजिट बन जाएगा। अगर ये लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा और ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा। बाकी इन चारों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड कर दो, किसी नंबर का सबट्रैक्ट कर दो, किसी भी पॉजिटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर दो, उस कंडीशन में फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन का रूल चलते हुए। मतलब यहाँ तक तो ये रूल बिल्कुल क्या करते हैं, समान व्यवहार करते हैं, केवल इन दो ही कंडीशन में ये क्या करती है, थोड़ा सा इसका ओपोजिट व्यवहार करती है, जब आप निगेटिव के नंबर से दोनों साइडों में मल्टीपल करते हो या निगेटिव के नंबर का आप दोनों साइडों में क्या करते हो डिवाइड करते हो, उस टाइम क्या हो जाएगा, इसका जो साइन है वो बिल्कुल ओपोजिट है वो हो जाएगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए जो हम अपना प्रश्न है उसको हम हल कर रहे हैं आगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ए का मान के बी का ये और सी का ये, ये शर्त लगा दी आपने। अब देखो मेरे पास ये आ रही है, मेरे को के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं कि आपने फोर को उधर भेज दिया इसको डिवाइड भी लिखे, इसका ऐसा रूल नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों तरफ मतलब हटाने हैं, कुछ भी जोड़ दो कुछ भी घटा दो मल्टीप्लाई करो, ऐसे इनको हटाना है। तो पहले मैं इस फोर को उठाना, मेरे को तो मैं क्या करूँगा, सबट्रैक्ट करूँगा, सबट्रैक्ट माइनस फोर या मान लो फोर इन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइडों को फोर से सबट्रैक्ट करते हो तो फोर माइनस फोर के माइनस फोर जीरो माइनस फोर, ये दोनों लेस हो गए और माइनस फोर के क्या आ रहा है, माइनस फोर से ग्रेटर आ रहा है।
अब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि आपने माइनस से माइनस काट दिया, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं काट सकते आप, क्योंकि यहाँ पर ये इनइक्वलिटी जो है केवल इक्वेशन होती है, तब आप माइनस से माइनस को काट सकते हो। तो यहाँ पर इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीपल करना पड़ेगा, और मल्टीपल करते आप जानते हैं जब आप निगेटिव के नंबर से मल्टीपल कराओगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई माइनस वन, और जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस वन देखो आपका माइनस फोर के से मल्टीपल हो रहा है, इधर भी जो माइनस वन है किससे हो रहा है, माइनस फोर से मल्टीपल, तो ये तो हो गया फोर के, और ये देखो चेंज इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखो जरा ना उल्टा हो जाएगा इसका, यानी आपका लेस हो गया किससे, फोर से। मैंने बोल दिया जब भी आप निगेटिव के नंबर से दोनों तरफ मल्टीपल या डिवाइड करते हो तो इसका सिंबल है वो क्या देगा, ओपोजिट बन जाएगा, तो क्या हो गया उल्टा हो गया इस तरह से। अब इस फोर को उठाना है ना, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाई फोर, अब फोर से डिवाइड करना, फोर तो एक पॉजिटिव नंबर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आराम से आप दोनों साइडों को क्या करोगे, फोर से डिवाइड कर दोगे, जिससे ये तो आ रहा है मेरे पास के और मेरे पास क्या रहा है वन, तो आपके के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, लेस वन आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसका फर्स्ट पार्ट वो करना था, इसी तरह से आप इसमें क्या करेंगे, जो अगला इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आप और देख लो। जैसे हम बात करें इसमें सेकेंड पार्ट की, तो ये आप सेकेंड पार्ट और ले लो, थर्ड पार्ट आप इसमें खुद कर लेना। तो सेकेंड पार्ट है मेरे पास क्या रहा है, के एक्स स्क्वायर, अगर आप इसमें सेकेंड पार्ट की बात करें हो, और प्लस में सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, यहाँ पर मेरे पास ए तो आ गया के, बी आ रहा है सिक्स और सी आ रहा है वन। आपको वही शर्त लगानी है, कंडीशन ऑफ टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, जब आप रियल और डिफरेंट रूट्स की शर्त लगाओगे तो आपके पास क्या जाएगा, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा किससे, जीरो से। ये शर्त पढ़ रखी आपने पहले से, अब जब आपने ये शर्त लगाई तो यहाँ बी तो आ रहा है मेरे पास सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू वन, ग्रेटर आ रहा है जीरो, ये 36 माइनस फोर के क्या रहा है, जीरो से ग्रेटर आ रहा है। अब देखो आपको अपना वो रूल लगाना है, पहले 36 को हटाना है ना, तो दोनों तरफ आपको 36 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट 36 इन बोथ साइड्स, और मैंने बोल दिया कि दोनों साइडों में आप कुछ भी जोड़ दो कुछ भी घटा दो, इनइक्वलिटीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 36 माइनस फोर के माइनस 36 और जीरो माइनस 36, तो इससे दोनों कट हो गया उसमें, और माइनस फोर के अभी किससे ग्रेटर आ रहा है, माइनस के 36 से। फिर मैंने आपको ये बता रखा है कि दोनों तरफ आपको उसमें माइनस से माइनस काटना नहीं है, केवल इक्वेशन हो तभी काट सकते हो आप, इनइक्वलिटीज में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस माइनस को हटाने के लिए आपको दोनों तरफ माइनस वन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई माइनस वन, और मैंने बोल दिया कि जब आप इनइक्वलिटीज में दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल करते हो तो ये आएगा मेरे पास माइनस वन इंटू माइनस का फोर के, और इसका सिंबल क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा बन जाएगा, यानी माइनस वन किससे हो रहा है, माइनस 36 से, ये बता रहा था मैंने आपको। अब इसी ये तो आ गया मेरे पास फोर के, और ये आ रहा है मेरे पास कितना 36, हट गया माइनस। अब इस फोर को उठाना, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे, तो आप लिखोगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई फोर, देखो प्लस फोर है तो प्लस फोर में तो कोई समस्या आएगी नहीं आपके, तो आराम से आप क्या करेंगे, इधर भी फोर से डिवाइड करोगे, इधर भी फोर से डिवाइड, ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा 9, और k का मान मेरे पास क्या आ गया, 9 से लेस आ गया। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, k की वैल्यू प्राप्त कर ली है, जब आपको टू रियल एंड डिस्कनेक्ट रूट दिए जाएं, इनको आप डिस्कनेक्ट मान लो या डिफरेंट मान लो, दोनों का एक ही मतलब है। अब आप देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न, और इसका जो थर्ड पार्ट है ये आपको करना है, मैंने छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है ना, और नहीं है तो मेरे से पूछना। देखो जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें क्या रहा हमारे पास, आपको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें आपको इसके कोई भी नो एनी रियल रूट्स आपको दिए गए हैं। तो पहले आपने यहाँ लिखा ए का मान तो आ गया मेरे पास 1, बी का आ रहा है 5k और सी मेरे पास क्या रहा है 16। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन दी गई है, आपको नो एनी रियल रूट्स की कंडीशन है वो दी गई है, तो आप लिखोगे कंडीशन ऑफ नो एनी रियल रूट्स, और नो एनी रियल रूट्स की मैंने कंडीशन बता रखी है कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है वो क्या आएगा आपके पास, जीरो से लेस आएगा, ये बता रखा मैंने आपको, रियल में ग्रेटर होता है और इमेजिनरी में क्या होता है, जीरो से लेस होता है।
अब याद देखो बी की वैल्यू मेरे पास क्या 5 की है का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 लेस आ रहा है 0। ये 25 के स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस का 64 और लेस क्या रहा है 0 आ रहा है। अब इसमें क्या करना अपना वो के की वैल्यू निकालनी आपको। सबसे पहले 64 घटाना हमें, तो दोनों तरफ आप क्या करें 64 को ऐड करोगे तभी तो कटेगा ना। तो आपने लिख दिया ऐड 64 इन बोथ साइड्स, और जब आप 64 को ऐड करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड और सबट्रैक्ट करने पर इनइक्वलिटी के सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों कट हो गई है। अभी आ रहा है मेरे पास 25 के स्क्वायर लेस आ रहा है 64। उसके बाद में इस 25 को उठाना है ना, तो दोनों साइडों में आप 25 से डिवाइड कर दोगे, नंबर पॉजिटिव का है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आपने लिख दिया डिवाइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 25 डिवाइड बोथ साइड्स बाय 25। जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो इधर द्वारा हमारे पास ये वैल्यू और उधर आ रहा है 64/25। इन दोनों कट कर लो। अभी के स्क्वायर क्या रहा है लेस आ रहा है किससे 64/25 से। जब आप दोनों साइडों में इनका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या देगा, कि आपके पास देगा प्लस माइनस 8/5। इस तरह से आपका मान आ जाएगा जब आप इसका रूट लोगे थे। लेकिन इसको देखो लिखने का तरीका है वो देखिए थोड़ा सा अलग प्रकार से है। इसमें देखो आप जानते हैं ये नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, माइनस 1 माइनस 2 ये होता है, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि इधर जैसे आप राइट साइड में जाओगे ना वैसे वैसे जो नंबर आपके हैं वो सारे क्या आएंगे, बड़े आएंगे नंबर, यानी माइनस 2 से माइनस 1 बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ऐसे नंबर आपके बढ़ते हुए जाएंगे। इधर आओगे तो आपके नंबर क्या आएंगे, छोटे नंबर आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास वो के हमारे पास क्या रहा है, पर भी क्या रहा है मेरे पास 8/5 का मतलब क्या होता है, यानी 1.6 के आसपास जो वैल्यू आपकी है वो होती है यहाँ पर। यानी जब के लिए आप 8/5 का मतलब 8 में जब आप 5 का डिवाइड करते हो तो इसका मतलब क्या होता है 1.6, और 1.6 कहाँ पर आ रहा है, या तो यहाँ पर 1.6 आएगा आपका और या फिर यहाँ पर 1.6 आ जाएगा। मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पर 1.6 है प्लस का और यहाँ पर मेरे पास क्या है माइनस का 1.6 है, ठीक है, दोनों तरफ आ रहा है। अब आपको नंबर चुनना कैसे है वो देखिए, इसमें आपको बताया कि आपके हमेशा इस शर्त का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए ऊपर वाली का। आप के की वैल्यू ऐसे लोगे ताकि इस शर्त का हमेशा क्या हो, पालन। अभी देखो यहाँ पर 64/25 है, यानी के स्क्वायर क्या है मेरे पास 64/25, यानी अगर आप इसमें अभी डिवाइड करते हो किसका 25 का, तो आपका मान क्या आएगा 2.56 ही आ जाएगा। यानी आपको के की वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि जब आप उसका स्क्वायर करें तो हमेशा वो क्या है 2.56 से क्या है लेस आई। तो देखो सीधी सी बात, अगर मैं माइनस का 1.6 लेता हूँ तो इसका मान देखो बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, आ रहा है ना। अब क्या करेंगे आप इधर जाएंगे, आप इस पॉइंट से इधर आएंगे और इस पॉइंट से अगर आप इधर आएंगे तो ये जो आपकी इतनी वैल्यू बन रही है इस वैल्यू के बीच में अगर आप अपना कोई मान लेते हो तो हमेशा आपके पास क्या आएगी इसकी वैल्यू, यानी जो 2.56 की आएगी लेस आएगी। जैसे आपने यहाँ पर माइनस 1 लिया तो माइनस 1 का जो आपने स्क्वायर किया 2.6 तो वर क्या आ रहा है इससे लेस आ रहा है, बिल्कुल सत्य बात आ रही है। लेकिन अगर आप इससे इधर आ जाओगे, आप जैसे मान लो आपने 1.6 से आप इधर, मान लो आपने 1.7 ले लिया मान लो ये, और इसका अगर आपने स्क्वायर किया तो आपको पता है इसका होता है 2.89 होता है। अब देखिए लेस थोड़ी आ रही है, इसे ग्रेटर आ गया ना तो शर्त का उल्लंघन हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू लेनी है आपको इन दोनों बीच में ताकि इस शर्त का क्या हो आपकी का पालन हो। और इस शर्त का पालन कब होगा, जब आप अपनी वैल्यू माइनस के 1.6 से क्या लेंगे ग्रेटर लेंगे और प्लस के 1.6 से क्या लेंगे लेस लेंगे, तभी आपके पास क्या आएगी के की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका के है वो क्या आ गया इन दोनों के बिटवीन में आ गया आपका। तो इधर तो आपका क्या हो गया माइनस का 8/5 हो गया और उधर क्या हो गया मेरे पास प्लस का 8/5। तो ये क्या हो गया आपकी के की वैल्यू हो गई है, यानी जो के की वैल्यू आपकी वो माइनस 8/5 से क्या लेनी पड़ेगी आपको ग्रेटर लेनी पड़ेगी और जो प्लस का 8/5 है उससे क्या लेनी पड़ेगी आपको लेस लेनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब तो माइनस का 1.6 है, इसका मतलब क्या प्लस का 1.6, यानी इन दोनों के बिटवीन में जब आप वैल्यू लोगे तभी इस शर्त का क्या होगा आपके का पालन होगा, यानी तभी आप इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर आप इधर आएंगे तो शर्त का उल्लंघन हो रहा है, उधर गए तो शर्त का उल्लंघन हो रहा है। जैसे आपने 2 ले लिया यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2.56 4 2.56, तो देखो शर्त का उल्लंघन हो रहा है ना, इसका मतलब ये बड़ा इससे तो गलत बात है, चाहे तो खुद बड़ा होता है इससे तो शर्त का उल्लंघन हो रहा है ना, इसका मतलब आपको इन दोनों के बिटवीन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें आप इन दो पहलू पर तो आपको के की, तो आपको यहाँ पर नंबर लाइन के द्वारा उसकी जाँच करनी है कि कहाँ पर वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है और उसके हिसाब से आपको जो अपना आंसर है वो लेना है। इसको मैं वापस बढ़ाता हूँ, ये आपको केवल समझाने के लिए था और यह क्वेश्चन आपका हो गया अभी कंप्लीट। अब देखो आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखो आगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन है बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एंटवर्क्स प्लस ए माइनस बी इक्वल आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट टू बी इक्वल ए प्लस सी। तो देखो अब इसका सोल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक दे रखे आपको बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल जीरो। ये आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और इसमें क्या दे रखा आपको जो इसके रूट्स है वो आपको इक्वल एंड डिस्क्रीट्स दिए गए सॉरी रियल एंड आपको इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ए तो कितना हो गया इसको आप कैपिटल से लिख दो बी माइनस सी और बी हो गया सी माइनस ए और सी हो गया ए माइनस बी। अब आपको यहाँ पर अपने वो कंडीशन लगानी देखो मैंने आपने को कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉल ई पर्सन पहले से आ रहे हैं। तो आप लिखोगे कंडीशन ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसकी मैंने कंडीशन लिखा रखी आपको कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। ये मैंने आपको इसकी शर्त वो लिखवा रखी है। तो यहाँ पर जो बी है वो तो आएगा मेरे पास सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ये आ रहा है बी माइनस सी और ये मेरे पास आ रहा है ए माइनस बी इक्वल में आ रहा है जीरो। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू ए सी या माइनस फोर एक बार पड़ा बाहर इस बी को इन दोनों से मल्टीपल कराया तो ए बी माइनस आ रहा है बी स्क्वायर सी को दोनों से मल्टीपल कराया तो माइनस का ए सी प्लस बी सी और उधर मेरे पास क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो ये तो पहले आपने उनको क्या करा दोनों को मल्टीपल कर लिया है। अब उसके बाद देखिए ये तो आ रहा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू ए सी आ रहा है ये माइनस का फोर ए बी हो गया ये प्लस का फोर बी स्क्वायर हो गया ये प्लस का फोर ए सी हो गया और ये माइनस का फोर बी सी हो गया इक्वल में आ रहा है जीरो। अब देखो एक तो लिख दो पहले आप सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसके बाद लिख दो आप फोर बी स्क्वायर ये लिख दिया आपने तीनों आगे पहले ये। अब देखो टू ए सी है माइनस का ये प्लस का फोर ए सी है तो यहाँ पर बचेगा प्लस का टू ए सी उसके बाद में आएगा माइनस का फोर ए बी सेम आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है माइनस का फोर बी सी सेम। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए मैं आपको अभी एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है नौवीं क्लास में आपने ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स प्लस बराबर क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को मैं एक बार थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला आपने नौवीं क्लास में पढ़ा है कि जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। अब देखो हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल इसके समान आ रही है और हमें उधर वाली वो प्राप्त करनी है। एक बार हम इसको फॉर्मूले के अनुसार लिख देते हैं तो मैंने इसको ले दिया सी का स्क्वायर यहाँ पर आ गया ए का स्क्वायर फिर आ रहा है जेड स्क्वायर यानी इसको आप टू बी का होल स्क्वायर मान लो इसको माइनस लगा दो आप ठीक है ना माइनस टू बी का होल स्क्वायर और उसके बाद देखो टू एक्स वाई आएगा टू ले दिया मैंने सेम एक्स का मान सी और वाई का मान आ रहा है मेरे पास क्या ए उसके बाद मेरे पास टू वाई जेड टू और वाई का मान तो मेरे पास क्या है ए और उसके बाद जेड का मान आ रहा है मेरे पास कितना माइनस का टू बी प्लस फिर टू लगा दिया आपने वापस अब जेड का मान तो आ रहा है मेरे पास माइनस का टू बी और एक्स का मान मेरे पास क्या रहा है सी और बराबर में क्या रहा है जीरो आ रहा है। एक बार आपने जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको आपने इस तरह से लिख दिया है यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी का होल स्क्वायर टू सी इंटू ए और टू ए इंटू माइनस का टू बी और माइनस का टू बी इंटू सी ए। देखो एक बार वापस देख लो ये वापस सी स्क्वायर आ रहा है ये ए स्क्वायर आ रहा है ये फोर बी स्क्वायर आ रहा है प्लस का ये टू ए सी आ रहा है प्लस का ये माइनस का फोर ए बी आ रहा है ये माइनस का फोर बी सी आ रहा है। अब यानी आपका ये फॉर्मूला है इधर वाला वो अप्लाई हो गया और इधर वाला मान आप प्राप्त कर लेंगे तो इससे आपका मान क्या देगा यानी c प्लस ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर और बराबर क्या आ रहा है मेरे पास जीरो आ रहा है ये लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या करना है दोनों साइडों का निकल लेना है स्क्वायर रूट तो आपने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स जैसे आप दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो आ जाएगा मेरे पास c प्लस ए माइनस टू बी उधर मेरे पास आ गया जीरो क्योंकि जीरो का रूट जीरो होता है। अब क्या करना आपको c प्लस ए को यहाँ रखना है इस 2b को आप इधर ले आओ या इसको ले दो आप 2b बराबर ए प्लस सी और ये आपको इसमें क्या करना था प्रूव करना था हेंस रूट। तो ये था हो गया आपका प्रश्न क्या 5। अब देखो आप नेक्स्ट आगे तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं एलसीएम फाइंड करना सीख रहे हैं पहले लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी एलसीएम एचसीएफ वो दोनों निकालना सिखा रहा हूँ। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दो 5 पार्ट है जिनमें से 3 पार्ट मैं आपको कराऊँ बाकी 2 पार्ट आपको खुद को करने हैं। जैसे मान लो हमारे पास अभी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 24x² yz एंड
सेकेंड आ रहा है मेरे पास 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इनमें से क्या करना है आपको, एक को क्या मानना है, यू एक्स मानना है जो आ रहा है 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड, एंड एक आपको मानना है वी एक्स जो आ रहा है मेरे पास 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर के द्वारा इनके फैक्टर करने सारों के। तो देखो पहले हमारे पास इस यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जैसे 24 है, 24 का आप जानते हो क्या होता है, 2 से 12 है, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसा आप इसको लिख दोगे भी, ठीक है ना। उसके बाद देखो मेरे पास आ रहा है x की पावर 2 एंड y की पावर 1 एंड z की पावर 1। इसी तरह देखिए आप जो vx है उसकी बात कर रहे हैं, vx आ रहा है मेरे पास 27 x की पावर 4 y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। जब आप इसके भी फैक्टर करोगे तो आपको पता है जो 27 होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर 2। इस तरह से आप इसके जो फैक्टर है वो पहले कर लेंगे। एक बात देखो, नॉर्मल से बात है, मैं पहले आपको जो एच से पहले से मैं उसके बारे में देखो थोड़ा सा आपको दोबारा समझा दूँ। जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक तो मान लो मेरे पास 24 है, एक 20 है। पहले एक बार आप नंबरों के द्वारा सीख लो कि एच से पहले से होता क्या है और इनको आप कैसे फाइंड करते हैं। एच से होता आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एल से होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे पहले आप 24 का आपने मान लो देखो टूटा गया इस तरह से इसका, तो 2 12 है, 6 3 और 1। ऐसे आपने 20 का किया 2 10 5 एंड 1। अगर आप 24 की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर आएगा मेरे पास 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। अगर आप 20 की बात करें तो 2 × 2 × 5, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, ये होता है। मैंने बता रखा आपको जब आप एच सी एफ निकालते हो तो एच सी एफ का मतलब क्या, दोनों का आपका जो कॉमन फैक्टर होता है ये होगा कॉमन, ये कॉमन, दो यारे मतलब इनको ये लिया और आपका मान क्या आ गया 4। एच सी एफ तो मेरे पास अभी यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो एच सी एफ जब भी आपको निकालना हो तो दोनों में हिसाब को जो कॉमन मल्टीपल है लोएस्ट फॉर्म का वो आपको देखना है। और जब आप एल सी एम की बात करते हो तो यहाँ पर जितने भी टाइप के नंबर है, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, तीनों प्रकार के आपको नंबर लिखने हैं, लिख दिया। अब इनमें जिसके पास मैक्सिमम पावर है वो आएगा। देखो देखो 2 के पावर, इसके पास पावर 3 है, इसके पास 2 है, तो ये क्या आएगी यहाँ पर 3 आएगी, 3 की पावर 1 है तो 1 आएगी, 5 की पावर 1। यानी आपको जितने भी टाइप के फैक्टर है वो सारे लिखने हैं और उनके आपको मैक्सिमम पावर है वो वहाँ पर लिखनी है। अब इसका एलसीएम क्या बन जाएगा आपका, 8 × 3 × 5, यानी 120 आ जाएगा। तो ये तो आपने नॉर्मल से पहले जानकारी प्राप्त किया कि एलसीएम एच से वास्तव में होता क्या है और किस तरह से आपको इनको प्राप्त करना होता है। अगर आपने अभी ये सीख लिया है तो अब आप आराम से ये प्रश्न है वो हल कर सकते हो। तो देखो अब हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा था उसको देखिए आप, जो अपना क्वेश्चन है इसमें यू एक्स तो मेरे पास आया था ये, और वी एक्स मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको इसमें निकालना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का मतलब जितने भी टाइप के फैक्टर वो सारे लिखने आपको। देखो पहले नंबरों वाले की बात करें कॉन्स्टेंट में, तो 1 2, यानी 2 और 3 आ रहे तो लिखो आप यहाँ पर 2 एंड 3, रिपीट नहीं करना किसी को भी, जितने टाइप वो सारे लिखना आपको। इसके अलावा एक्स वाई एंड जेड आ रहा है तो लिखोगे आप एक्स वाई एंड जेड, लिख दिया। अब इनकी जिसके पास मैक्सिमम पावर हो वो लिखो, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, देखो 3 की पावर इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगी 3 आएगी। एक्स की पावर इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो क्या आएगी 4 आएगी। वाई की पावर 1 है, इसके पास 2 है, तो 2 आएगी, 1 है 2 है, तो क्या आएगी 2। यानी आपको जितने भी टाइप के फैक्टर है वो सारे लिखने हैं और उनकी आपको मैक्सिमम पावर लिखनी है। अब देखो आपका आंसर क्या देगा, 8 × 27 × x² + 4 y² + z². जब आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो 6 कैरी 5 आ रही है और ये 21 x² + 4 y² + z². तो इस तरह से आप इसका क्या फाइंड करते हो, एलसीएम। अभी मैं आपको साथ में इसका एच से भी फाइंड करना सिखाता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे केवल क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, लेकिन मैं आपको साथ में एच सेप निकालना वो भी सिखा रहा हूँ। एच सेप का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर देखना आपको। तो देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, और देखो 3 की कम से कम पावर क्या आपकी 1 है, जो दोनों के पास होना चाहिए ना, 1 हो गया। एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो लिखोगे आप एक्स वाई और जेड। इनकी देखो कम से कम पावर क्या है, इसके पास 2 है ना, तो 2 लिखने आपको, इसके पास कितनी है 1, उसके पास क्या है 1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या देगा अभी 3 x² y z। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो एच सी एफ है वो आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको वास्तव में प्रश्न में क्या प्राप्त करना था, केवल एलसीएम प्राप्त करना था, एच सी एफ मैंने आपको केवल ये फाइंड करना सिखाया है। तो ये तो था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें सेकेंड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें आ रहा है मेरे पास
यानी आप यहाँ पर जो यूएक्स है, यूएक्स को तो आप क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और वीएक्स को आप क्या मान लेंगे, वीएक्स मान लेंगे आप एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर थ्री और माइनस में सिक्स एक्स स्क्वायर। ये आपने इस तरह से पहले क्या मान लिया, यूएक्स एंड वीएक्स को मान लिया। अब देखो पहले आपको यूएक्स के फिल्टर करने हैं यहाँ पर, तो देखो इसका फिल्टर करने के लिए आप क्या मानेंगे, माइनस का टू एक्स, माइनस का वन एक्स और प्लस का टू। और अभी मेरे पास क्या आ गया, ये एक्स कॉमन आया एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन आया एक्स माइनस टू, और यू एक्स का फिल्टर मेरे पास क्या आ गया, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन। इसी तरह अगर आप वी एक्स की बात करते हो तो देखो वी एक्स आ रहा है मेरे पास एक्स की पावर फोर, एक्स का क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो देखो दोनों में से आपको क्या करना है, अभी जो एक्स स्क्वायर वो कॉमन लेना बाहर, जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ये एक्स स्क्वायर आपको बाहर रखना है यहाँ पर, अभी इसके फैक्टर करने के मल्टीपल करने पर माइनस का सिक्स ऐड करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर वन मान लो वन आना चाहिए। तो मेरे पास आ रहा है थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स और माइनस का सिक्स। तो यह तो आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कॉमन आया एक्स प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन आया एक्स प्लस थ्री। उसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर सेम है, यहाँ पर आ रहा है एक्स प्लस थ्री एक तो फैक्टर, और दूसरा आपका आ रहा है एक्स माइनस टू। ये इसके तीन फैक्टर आ गए। अब लेकिन आपको क्या निकालना है, इसमें दोनों का एलसीएम वो फाइंड करना है। तो आप लिखोगे एलसीएम इक्वल, अब देखो एलसीएम में जितने भी टाइप के फिल्टर हैं उन सब की बात करोगे, तो देखो एक तो इसके पास तो देखो दो कौन से आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को लिख दो एक बार आप, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन लिख दिया। अब देखो इसके पास आ रहे हैं ये तीन, तीन में से ये तो आ गया पहले से, तो केवल दो लिखने आपको, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। तो अब आपका जो यहाँ पर एलसीएम है वो क्या देगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री। आप चाहो तो इनको आगे मल्टीपल करो, नया करो तो भी आपका यहाँ तक आंसर क्या बिल्कुल राइट है, इतना आप कर के छोड़ देना। ये आपने क्या फाइंड किया इसका एलसीएम। इसके बाद में आप जो इसके एक जो पांचवा पार्ट है वो देखो आप, तो देखो पांचवे पार्ट में आपके पास इसको यू एक्स को तो आपने क्या मान लिया अभी, एटीन सिक्स एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, और वी एक्स आपने किसको मान लिया है, फोर्टी फाइव टू एक्स की पावर सिक्स, थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर फोर, इसको आपने क्या मान लिया है, वी एक्स मान लिया है। तो पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर देखो एटीन तो पड़ा मेरे पास बाहर पहले से एक बार, देखो इन दोनों में से आपने क्या कर लिया, पहले एक्स स्क्वायर को मान लिया बाहर, अब अंदर आ रहा है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये आ रहा है। अब देखो करना क्या है, एटीन के तो टुकड़े क्या हो गए, टू की पावर वन और थ्री की पावर टू, ये जानते हो आप अच्छी तरह, और ये आ रहा है मेरे पास एक्स की पावर टू, इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो इसके थ्री और टू हो गए, यानी थ्री एक्स और माइनस में टू एक्स और माइनस का वन। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास टू की पावर वन, थ्री की पावर टू, एक्स की पावर टू, यहाँ पर जब आपने थ्री एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, टू एक्स प्लस वन बचेगा, यहाँ माइनस वन कॉमन है तो क्या बचेगा, टू एक्स प्लस वन। अब ये तो आ रहा है टू की पावर वन, थ्री की पावर टू, एक्स की पावर टू, और यहाँ पर आ रहा है टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन। तो ये तो आपने क्या कर लिए, यू एक्स के जो वेक्टर है वो आपने प्राप्त कर लिए। अब देखो वी एक्स आपने किसको माना है, वी एक्स माना है आपने यानी फोर्टी फाइव और टू एक्स की पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर फोर। अब देखो यहाँ पर फोर्टी फाइव का मतलब क्या हो गया मेरे पास, थ्री की पावर टू इंटू फाइव पावर वन हो गया, और देखो इन सब में से आपने क्या ले लिया, एक्स की पावर फोर को ले लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ बचेगा मेरे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये बचेगा। अब इसको लिखना आपको थ्री की पावर टू, फाइव की पावर वन, एक्स की पावर फोर। देखो अब इसके फैक्टर करने आपको, तो इसके फैक्टर क्या हो गया आपके, टू एक्स एंड वन एक्स एंड प्लस में वन। और जब आप इसको आगे सोल्व करते हो तो आपके पास क्या देगा, यानी थ्री की पावर टू, फाइव की पावर वन, एक्स की पावर फोर, यहाँ टू एक्स कॉमन आया एक्स प्लस वन, वन कॉमन आया एक्स प्लस वन। अब इसको आगे सोल्व करने पर जो मेरे पास वी एक्स है वो मेरे को प्राप्त हो गया थ्री की पावर टू, फाइव की पावर वन, एक्स की पावर फोर और इंटू में आ रहा है एक्स प्लस वन एंड साथ में आ रहा है टू एक्स प्लस वन। तो ये तो आगे मेरे पास वी एक्स के वेक्टर और वो आगे मेरे पास किसके, यू एक्स के वेक्टर। अब देखो आपको प्राप्त क्या करना है, आपको तो केवल एलसीएम प्राप्त करना है। यहाँ पर एलसीएम प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया, जितने भी टाइप के फिल्टर वो आपको सारे लिखने। देखो तीन दो नंबर देखो पहले आप एक बार, टू थ्री और फाइव, तीन तो नंबर हो गया आपके पास, टू थ्री एंड फाइव।
एक आपके पास हो गया एक्स बार वाला, ठीक है, चार तो ये हो गया ना। अब देखो फिल्टर, तो 2x + 1 3x - 1, तो लिखा आपने 2x + 1 and 3x - 1। उसके आगे अब इसमें ये तो आ गया पहले से एक, ये और लिखना आपको x + 1। अब देखो इनकी आपको लेनी है मैक्सिमम पावर सबकी। तो देखिए यहाँ पर जो 2 की मैक्सिमम पावर वो कितनी है, तो देखो 2 की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, तो लिख दिया आपने 1, क्योंकि v के पास तो ही नहीं ना। अब देखो 3 की पावर 2 इसके पास है, उसके पास भी क्या है 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। अगर हम 5 की बात करें, देखो 5 इसके पास तो नहीं, केवल उसके पास है, तो कितनी आ गई पावर 1। अगर हम एक्स की बात करें तो इसके पास एक्स की पावर 2 है, उसके पास कितनी है 4, तो यहाँ पर क्या आ गई 4, बाकी सबकी पावर 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये मेरे पास हो गया 2 × 9 × 5 × x^4 और 2x + 1 और 3x - 1 और x + 1, इसको सोल्व करने पर हो गया 90 और x^4 2x + 1 3x - 1 एंड x + 1, यह आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका एलसीएम प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से आप जो बाकी दो पार्ट बचे हैं उनके आपको एलसीएम खुद को प्राप्त करने हैं, और आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे, तब तक आपको दोनों प्रश्न हल करने हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।